अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अपने बड़े बड़े मकान दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात सच में बताऊं, मैं रात को एंटी डिप्रेसेंट्स लिए बगैर सो नहीं सकती। मेरी जिंदगी में जो भी है इस वक्त बर्बाद है, और इस सब की बुनियादी वजह ये शो है जिसमें मैं उस हर चीज को क्लोरिफाई करती हूं जो क्लोरिफाई करने के काबिल ही नहीं है। और अपने जमीर को सुलाने के लिए मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स लेनी पड़ती है। तो ये है हमारी परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। आयला ने कहा कि तबस्सुम पागल है। पागल तो वो है, लेकिन उसको पागल बनाने वाले हम, हमें बैन करना चाहिए, हमें सजा मिलनी चाहिए। आज आपके सामने मैं अपना आखिरी शो पेश कर रही हूं, और आज के बाद मैं आपको किसी स्टेज पर नजर नहीं आऊंगी। बीबी जी, बीबी जी, वो टीवी पे जन्नत बीबी को देखे, वो क्या कह रही है? क्या देखे? तो पिछले सालों में जितना नुकसान मैं, आयला और हम सब आपकी नौजवान नस्ल और औरतों को कर चुके हैं, उसके बाद तो हमें डूब मरना चाहिए। हम इस स्टेज के काबिल नहीं है। ये माइक उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो सुबह 9 बजे आके आप सबको एहसास, शऊर, जिम्मेदारी और अखलाकियात सिखाएं, ना कि हमारी तरह जो आपकी सुबह को तलाक, शादी ब्याह, काले जादू जैसी चीजों से गंदा कर देते हैं। जन्नत अली खान अब सबसे माफी मांगती। एक बारी यार सोना सानू दिस जा, मैं आज के बाद ये शो साडे वल जन्नत जहां साहुण तुपे बैके अभी नहीं करूंगी। छावे कीती तेरे नाल दुनिये जावे, दुनिया जमाने नाल यारियां ना लावी, जेड़ा चमकीला दिसे सिक्को ही खोटा है। यार बथेरे मिल जाने जन्नत कमाना औखिए, अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यार कुछ दुनिया ते यारों तो खाइए।
दबा थी मजबूरी, हंस देने बोलिया मगर दिल मेरा रोंदा है। यार बथेरे मिल जाते जन्नत कमाना औखे, अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खे। दर्द नु है बेदर्द ना समझे हर घड़ी आयला जी, आयला जी, ब्रेक के बाद दोबारा शो स्टार्ट करें। एक एक्टर अरेंज कर लिया है, स्टूडियो में ही है, उसका मेकअप हो रहा है, फिर मैं उसे लेकर आता हूँ। महीनों बाद रिक्शे में बैठी हूँ तो मजा आ रहा है फारूक। मोटरसाइकिल से भी ज्यादा। मोटरसाइकिल पे तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। अनवर, अनवर जी। ये क्या है जी? वो फारूक भाई आए थे, सुजुकी भर के सामान लाए थे। ये कपड़े लत्ते और किचन का सामान तो मैंने यहाँ उतरवा लिया, बाकी सामान मैंने क्वार्टर पे रखवा दिया है। और ये भी दे गए, कह रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। ज़ारा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सब जानते हो। ज़ारा, प्लीज, प्लीज, एक मिनट अंदर आके मुझे बात करना थी, प्लीज। यह हक खो चुके हो तुम नवान। तुमने जो कुछ भी किया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। पुलिस ने बुलाया था मुझे। Thank you.
जितनी नफरत तुम्हें मुझसे हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे नफरत अपने आप से हो रही है।